तो गाइस ये बॉक्स ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, साइड से ऐसा एंड पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। बट इसके ऊपर जो चार कलर्स बने हुए हैं उसके भी वेरिएंट साइड में लिखे हुए हैं। इस साइड तो यही सेम है, बाकी दूसरी साइड कुछ डिफरेंट कलर्स लिखे हुए हैं इसके ऊपर। तो चलिए अब देखते हैं कि इसकी अनबॉक्सिंग करके कि इसके अंदर क्या माल है यार। तो गाइस बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है ये एक एयरपोर्ट वाला चार्जिंग केस, जिसमें एक चार्जिंग सॉकेट है एंड एक पावर बटन है जिससे इसकी चार्जिंग स्टार्ट या ऑफ कर सकते हैं, ऑन या ऑफ जो मर्जी बोलो। एंड इसके अंदर हमें मिलते हैं ट्विन पॉड्स, ट्रूली वायरलेस ट्विन पॉड्स। अब इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं कि और क्या है इसके अंदर। तो ये फालतू की चीज़ें निकाली बाहर। एक लाइटनिंग केबल हमें देखने को मिलता है दोस्तों इसमें, वो छोटा सा ही है, बहुत ही कम लेंथ है। एंड एक यूज़र मैनुअल, वैसे तो हमें इसको फेंकना है, इसका कुछ काम है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं, पॉज कर लीजिए आप वीडियो। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बटन दबाने पर ये चार्ज होने शुरू हो जाने चाहिए, एंड ये अब जैसे रेड लाइट आप देख सकते हैं तो ये चार्ज हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से केस में ब्लू कलर की लाइट जल रही होगी। हाँ बिल्कुल, तो इसको अगर मैं एक और बार दबाऊंगा तो चार्जिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि चार्जिंग हो गया सर ये कि इस केस के अंदर इसका खुद का बैटरी होता है और पॉड्स में अपना खुद का बैटरी होता है। तो जैसे बटन दबाते ही जो चार्ज केस की बैटरी में है वो चार्ज पॉड्स की बैटरी में ट्रांसफ़र होने लग जाता है, और बाद में ये केस तो है ही रिचार्जेबल, साथ साथ पॉड्स भी रिचार्जेबल ही है यहाँ पर। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने i12 यानी कि इन दोनों पोर्ट्स के साथ ये अपने इस फ़ोन को कर लिया है कनेक्ट, और अब मैं चलाऊंगा NCS का गाना। एंड दोनों पोर्ट्स मैंने चेक कर लिए हैं, अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं, और अभी मैं माइक्रोफोन के पास ये पोर्ट्स लेके आता हूँ ताकि आपको इसकी थोड़ी साउंड क्वालिटी का आइडिया हो जाए। मेरा माइक्रोफोन बिल्कुल कैमरे के साथ है तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड ना लगे स्क्रीन पे देख के। दोनों ही एयरपोर्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से, तो बाकी मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। इनकी क्रिस्टल क्लियर साउंड है, चाहे आप फुल वॉल्यूम कर लो अपने फ़ोन की, इनकी साउंड बिल्कुल भी नहीं, मतलब जिसको बोलते हैं डिस्टॉर्ट होना, वो नहीं हो रही है बिल्कुल भी। एंड इनकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है, इनका बैटरी बैकअप अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जो ये वाले थे, इनसे इनका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। पहले मेरे पास वो वाले थे इस वजह से मेरे को पता है, बट मेरे को बेस थोड़ी सी कम लगी इनकी, बाकी सब एकदम परफेक्ट है। अगर रेटिंग की बात की जाए तो मैं इनको रेट करने वाला हूँ 7 out of 10, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये जितने भी प्राइस में है। मेरे को तो वो मार्केट से 500 का पड़ा था, आपको जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वो शायद थोड़ा 100-200 रुपये ज़्यादा कम है उससे, वो आप देख लेना। एंड ये वर्थ इट है यार बाय करना, क्योंकि इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, इतने सस्ते में आपको इससे बेस्ट पॉड्स नहीं मिलने वाले हैं। और टॉकिंग अबाउट वारंटी गाइस, तो ऐसी मतलब जो चाइनीज़ चीज़ें होती हैं उनकी कोई एज सच वारंटी तो आती नहीं है। अगर आपको ये परचेज़ करना है तो अपने खुद के रिस्क पर परचेज़ कीजिए, इसकी कोई एज सच वारंटी नहीं होने वाली है। एंड दोस्तों अगर आपको ये प्रोडक्ट वर्थ इट लगा तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इसका। एंड वन मोर थिंग, ये मेरा फर्स्ट एवर टेक्निकल वीडियो है, अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, एंड इस वीडियो पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं आगे और टेक वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वेट गाइज, अभी मैं इस स्पोर्ट्स के साथ एक मैजिक करने वाला हूँ। ये मैंने इसमें डाला, ये यहाँ पर ऐसे किया, आब्राकडाब्रा गिली गिली छू। तो गाइस अब देखते हैं इसको खोलकर। तो देखा गाइस वो जादुई मंत्र बोलते ही इसका एक फ्री का कवर मेरा यहाँ पे आके इंस्टॉल हो गया है।
तो गाइस इस मैजिक ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब एंड शेयर वो सब आपको ज़रूर करना है मेरे को मोटिवेटेड रखने के लिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।